हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान तथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमेटू यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस तो सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम, सुमो एटीन के अजन्मीय बच्चे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई दो में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंग और छाया छाया छायाकार जेडर स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कल्की की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू होगा फिल्म के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलक सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को 16 करोड़ के रुपए में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार 300 करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज़ के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वि, वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का महा अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिने यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम सुमो एटीन के अजन्मीय बच्चे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिए गए आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साईंस और छाया छाया छायाकार जेडर स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की आ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के कि तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी को ट्वेंटी एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल दिज, संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार द विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा के महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिंह यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उन्तीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पष्ट बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागम कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभाष दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंस और छाया छायाकार जेडर से स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद आत् कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलियुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह साल में शुरू होगा फिल्म के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलक सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुलकर सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपए में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वि, वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का महा अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमैटिव यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब सम सुमो एटीन के अजन्मीय अस्पचे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई दो में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया। आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइन और छाया छाया छायाकार जेडर से कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के कि तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी एट ई को ट्वेंटी एट नाइन्टी एट भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल दिज, संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना तो ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट e, नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमेटिव यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पचल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया और छाया छायाकार जेडर स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की आ की रक्षा करने की हीन होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फ़िल्म का सीक्वेंस होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज़ के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी ई e को ट्वेंटी एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलक सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपए में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज़ के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का महा अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइनटी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमैट्यू यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम, सुमो एटीन के अजन्मीय बच्चे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक से इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साईंस और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिल श्टो, कोविच ने किया है। और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के कि तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी एट ई को ट्वेंटी एट नाइन्टी एट भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज़ के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था गता और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार द विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट e, नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिने यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पचे बल्कि कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साय माधवन बुरा और उसके बाद बी एस गण कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिए गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया छाया छायाकार जेडर से स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थान उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की आ की रक्षा करने की हीन होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फ़िल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज़ के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी एट ई को 2898 एट नाइन्टी एट भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकर सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपए में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज़ के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा के महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिने यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पजेक्ट सम सुमो एटीन के अजन्मीय अस्य बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंग और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिलोविच इस्टो, ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद आ, आ, कुरुक्षेत्र के गृहपाद अश्वत्थामा उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की आ रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हज़ार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह साल में शुरू होगा फिल्म के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कल्कि सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को 16 करोड़ के रुपए में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार 300 करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने 100 करोड़ में इस फिल्म का हास अधिकार हासिल किया था रिलीज़ के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वि, वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का महा अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजोन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ट्वेंटी ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमैट्यू यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम सुमो एटीन के अजन्मीय अस्पचे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में स्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिए गए आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन साबरिया साइन सा, और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिल श्टो, कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी एट ई को ट्वेंटी एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस से रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी और फिल्म की विशेष वि वितरण अधिकार द विलेज ग्रुप में अस्सी अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टी द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट e, नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा के महाकाव्य विज्ञान फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिंह यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उन्तीस सौ में एक सर्वन, सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पष्ट बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभाष दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि ये अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कह दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंस और छाया छायाकार जेडर से स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद आत् कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अस्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके सम्... माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कल्की की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज़ के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी e को ट्वेंटी एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलक सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और दुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजोन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमेटिव यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम सुमो एटीन के अजन्मीय अस्पचे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया। आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंग और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिली श्टो, कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फ़िल्म का सीक्वेंस होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज़ के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी एट ई को ट्वेंटी एट नाइन्टी एट भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकर सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमैटिव यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय बच्चे बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन साबरिया साइंग और छाया छाया छायाकार जेडर से कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के, के तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी ई को ट्वेंटी एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा। फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल दिज, संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार द विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट e, नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमेट यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उन्तीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पचे बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साय माधवन बुरा और उसके बाद बी एस गण कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई दो में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया छाया छायाकार जेडर स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की आ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी ट्वेंटी एट नाइन्टी एट भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कल्कि सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को 16 करोड़ के रुपए में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार 300 करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने 100 करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज़ के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सेटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था गता और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वि, वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का महा अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ट्वेंटी ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिने यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसमो एटीन के अजन्मीय बच्चे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साईंस और छाया छाया छायाकार जेडर स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हज़ार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी एट ई को ट्वेंटी एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्पूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल दिज, संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार द विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट e, नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिं यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पष्ट बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साय माधवन बुरा और उसके बाद बी एस गण कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभाष दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के, के तहत घोषित किया गया था क्योंकि ये अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कह दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंस और छाया छायाकार जेडर से स्टोल कोविच ने किया है। और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद आत् कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अस्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके सम्... माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी e भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह साल में शुरू होगा फिल्म के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कल्कि सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को 16 करोड़ के रुपए में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार 300 करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने 100 करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज़ के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वि, वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का महा अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमेटिव यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पच्य बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कह दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई दो में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साईं और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिल श्टो, कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के कि तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि छब्बीस जून दो हजार चौबीस को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी ई को ट्वेंटी एट ये भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएन प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल दिज, संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट e, नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमेटिव यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पष्ट बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस गण कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि ये अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक, एक अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंस और छाया छायाकार जेडर से स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की आ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हज़ार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फ़िल्म का सीक्वेंस होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज़ के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी 2898 ई को ट्वेंटी एट नाइन्टी एट भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलक सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपए में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हास, हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें 390 करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और 80 करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का महा अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमैट्यू यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम, सुमो एटीन के अजन्मीय बच्चे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई दो में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साईंस और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिल श्टो, कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कल्की की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी एट ई को 2898 एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल दिज, संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार द विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट e, नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की भी महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके की यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पचल बल्कि कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साय माधवन बुरा और उसके बाद बी एस गण कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभा इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंग और छाया छायाकार जेडर से स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके सम्... माथे में उनके दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कल्कि की माँ की रक्षा करने की हीन होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी एट ईस्वी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू होगा फिल्म और मध्य क्रेडिट के, के दौरान यह कलक सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपए में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा के महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है इसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिने यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब सम सुमो एटीन के अजन्मीय बच्चे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई दो में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिए गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साईंस और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिल श्टो, कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की आ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हज़ार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी 2898 एट e ईस्वी 28, भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलक सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपए में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का हासिक अधिकार हासिल किया था रिलीज़ के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ई e, यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमैट्यू यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम सुमो एटीन के अजन्मीय अस्पचे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई दो में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया। आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइन और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत आन्त, अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी एट ई को ट्वेंटी एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल दिज, संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था गता और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार द विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुल कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट e, नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिंमैट यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उन्तीस सौ तो अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पष्ट बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साय माधवन बुरा और उसके बाद बी एस गण कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभाष दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभा से इक्कीस के, के तहत घोषित किया गया था क्योंकि के ये अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंस और छाया छायाकार जेडर से स्टोल कोविच ने किया है। और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद आत् कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अस्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके सम माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वेंस होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज़ के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी e को ट्वेंटी एट नाइन्टी एट भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलक सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड करोड करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार 300 करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का महा अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और उसका निर्माण वैजंती मूवीज ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमैट्यू यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम सुमो एटीन के अजन्मीय अस्य बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में स्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिए गए आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंग और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिली श्टो, कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थामो उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के कि तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत आन्त, अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी ई को ट्वेंटी एट ये भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं इनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फिल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल दिज, संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था गता और अस्सी और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार द विलेज ग्रुप में अस्सी अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट नाइन्टी ई यह 2024 में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टन मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमेटिव यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारीय दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पष्ट बल की कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंस और छाया छायाकार जेडर से स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थाम उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके सम्... माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की आ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हज़ार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फ़िल्म का सीक्वेंस होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज़ के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी ई e को ट्वेंटी एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकर सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णा स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपए में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज़ के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें 390 करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और 80 करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का महा अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेज़ॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल, कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हां दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना कल की ई यह दो में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिनेमैटिव यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ ईस्वी में एक सर्वन सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट सम, सुमो एटीन के अजन्मीय बच्चे बल की कलकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन की तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज़ किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में एक, ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई दो में कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिए गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया साइंस और छाया छाया छायाकार जेडर सेटोजिली श्टो, कोविच ने किया है। और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो कई सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उत्तरा में अजनमीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनके दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की माँ की रक्षा करने की ही होना तय था बात करें फिल्म के, के तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी ई को ट्वेंटी एट नाइन्टी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू तीन साल में शुरू होगा फिल्म और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलकी सिनेमेटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार 6 करोड़ में हासिल किया था वहीं अनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपये में हासिल किया था के प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल थडानी ने सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने कलकी ने सैटेलाइट डिजिटल दिज, संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ 600 करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था गता और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार था। विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार एमेजॉन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना तो ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआर मीडिया की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल कल की ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी एट नाइन्टी एट ई मूवी के बारे में जी हाँ दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल आर आर मीडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना कल की ट्वेंटी एट e, नाइन्टी एट ई यह दो हज़ार चौबीस में बनी भारतीय तेलुगु भाषा की महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्देशन ना नागा अश्विनी ने किया है और इसका निर्माण वैजंती मूवीज़ ने किया था इसमें फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभा दीपिका पादुकोण और दिशा पार्टी मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगी जो कि हिंदू धर्म ग्रंथियों से प्रेरित यह एक योजनाबद्ध करके सिं यूनिवर्स की पहली किस्त होने वाली है वर्ष उनतीस सौ अट्ठानबे ईस्वी में एक सर्वन, सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित किए गए गए चुनिंदा समूहों का अनुसरण करती है जो लैब स्पेजेक्ट एसम सुमो एटीन के अजन्मीय स्पचल बल्कि कलिकी को बचाने का मिशन किया जाता है बात करें निर्देशन के तो निर्देशित में नागा अश्विनी शामिल हैं और लेखन की मुख्य अभिनेताओं और लेखन की बात करें लेखन में नागा अश्विनी रुथम समर और साई माधवन बुरा और उसके बाद बी एस सर्वागन कुमार शामिल हैं अभिनेताओं में हमें अमिताभ बच्चन कमल हसन प्रभास दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी दिखाई देंगी बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 600 करोड़ के आसपास था और यह 1100 करोड़ से भी अधिक की कमाई की थी फिल्म सत्ताईस जून 2024 को थी नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था फिल्म को बात करें फिल्म के आधिकारिक तौर पर फरवरी 2020 में अस्थायी शीर्षक प्रभाष इक्कीस के तहत घोषित किया गया था क्योंकि यह अमिताभ की मुख्य भूमिकाओं में ये अभिनेता की मुख्य भूमिकाओं में इक्कीसवीं फिल्म होने वाली थी और बाद में इसके इसको बदलकर वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के बारे में कर दिया गया था मुख्य फोटोग्राफी एक साल बाद जुलाई 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण शुरू हुई इसके अगले तीन वर्षों तक कई चरणों में चिटपुट रूप से शूट किया गया और मई 2024 के अंत तक लपेट लिया गया आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई 2023 में की गई थी और संतोष नारायणा ने संगीत दिया था छायांकन सबरिया और छाया छायाकार जेडर से स्टोल कोविच ने किया है और संपादन को कोटागिरी वेंकटेश्वर राव ने किया था फिल्म का बजट 600 करोड़ यानी 27 मिलियन के डॉलर के आसपास प्रोडक्शन बजट बनी थी जो कि अब तक की भारत में बनी सबसे महंगी फिल्म मानी जाती है बात करें फिल्म के कहानी की तो इक्कीस सौ दो ईस्वी पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वस्थान उत्तरा में अजन्मीय बच्चे को मारने का प्रयास करते हैं ऐसे करने से के लिए भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्णा उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक पतन के परिणाम स्वरूप मानवता को दुख को देखने का श्राप देते हैं उनके माथे में उनकी दिव्य मणि को छीन ली जाती है और उनका उद्धार केवल कल कलकी युग के अंत में भगवान विष्णु के दसवें अवतार यानी अंतिम अवतार कलकी की आ की रक्षा करने की हीन होना तय था बात करें फिल्म के की तो यह फिल्म मई दो हजार चौबीस के अंत अंत में यह बताया गया था कि फिल्म का सीक्वल्स होगा जो कि 26 जून 2024 को फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले यानी अग्नि अश्विनी ने कल की ट्वेंटी भाग टू का टिप्पणी की और कहा कि यह तीन साल में शुरू होगा फिल्म के के और के मध्य क्रेडिट के दौरान यह कलक सिनेमैटियो यूनिवर्स नामक एक मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का भी पता चलता है फिल्म का वितरण की बात करें तो इस फिल्म का वितरण अन्नपूर्णाना स्टूडियो के अन्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म का वितरण अधिकार 145 करोड़ के आसपास में हासिल किया था और तुल्का सलमान की वेफर फिल्म ने केरला के में वितरण का अधिकार छः करोड़ में हासिल किया था वहीं एनस्वी प्रसाद के श्री लक्ष्मी फ़िल्म ने तमिलनाडु में वितरण अधिकार को सोलह करोड़ के रुपए में हासिल किया था केवीएंस प्रोडक्शन ने कर्नाटका में वितरण का अधिकार तीन सौ करोड़ में हासिल किया और जबकि उत्तर भारत में वितरण का अधिकार ए फिल्म के अनिल डा थडानी सौ करोड़ में इस फिल्म का अधिकार हासिल किया था रिलीज के पहले ही कारोबार में भारतीय व्यापार स्रोत के अनुसार कलकी ने, कलकी ने सैटेलाइट डिज, डिजिटल संगीत और नाट्य अधिकार की बिक्री के साथ साथ छः सौ करोड़ की प्री रिलीज बिजनेस रिकवरी हासिल की जिसके जिसमें से उन्हें तीन सौ नब्बे करोड़ नाट्य अधिकार से अर्जित किया था और अस्सी करोड़ और फिल्म की विशेष वितरण अधिकार द विलेज ग्रुप में अस्सी करोड़ का अस्सी करोड़ में हासिल किया था फिल्म का डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजोन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स द्वारा अधिग्रहित किया गया है जबकि सैटेलाइट अधिकार जो विन टीबू द्वारा हासिल कर लिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना